अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की प्रभारी एवं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने गलत नीतियों को लागू कर पूरे देश के लोगों को ठगा है। मोदी सरकार ने हर वर्ग के लोगों को रोने के लिए विवश कर दिया है, मगर समय बदल रहा है, देश में लोग भी बदलाव चाहते हैं। लोकतंत्र में मतदाता बड़ी शक्ति होती है। पूरे देश में कांग्रेस की जबरदस्त लहर चल रही है और लोग वोट की चोट से मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। कुमारी सैलजा ने रविवार को रतिया विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर वोट की अपील की। उन्होंने गांव भिडाना में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, सबकी आवाज बराबर होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन ने देश को काफी पीछे धकेल दिया है। किसान, बेरोजगार, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कर्मचारी सभी हकों के लिए सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अहंकार में डूबी इस सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह की चिट्ठियों को जिस प्रकार लोगों ने इतने प्यार से संभाल कर रखा है, मेरा वचन है कि मैं उतने ही समर्पण से आपके हर सपने को संवारूंगी। ये वक्त कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का और देश को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा कि आज सिरसा ही नहीं, देश बदलाव के लिए तैयार है और बदलाव आएगा। साथियों, दिन ब दिन मैं देख रही हूं कि जहां मर्क्यूरी का पारा बढ़ रहा है, वहां चुनाव का भी पारा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पारे में थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने काम से ये पारा बढ़ा रही है, लोगों के बीच में जाके, और लोगों का समर्थन भी ये पारा बढ़ा रहा है। और ये सब देख के जो दूसरी पार्टियां हैं उनका पारा भी बढ़ रहा है, और उनका पारा किस लिए बढ़ रहा है, वो डर के मारे। अब आप लोग उनको इतना घबरा देते हो, फिर उनके बयान आने लग जाते हैं, और बयान भी ऐसे बेतुके आने लग जाते हैं, तो वो अपने ही जाल में आप लोग उनको फंसाए जा रहे हो। और ये मैं आपके, आओ 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 स्वामी जी, आओ, आओ। स्वामी जी आए हैं हमारे। और ये और ज्यादा करना है आपने, जब तक चुनाव का अंत होगा 27 मई तक, तो गर्मी तो बढ़ेगी भाई, चुनाव की गर्मी बढ़े। लेकिन हाँ, आप पार्टी के हमारे साथीगण, आप भी हमारे साथ आए हैं, कामरेड भी हैं हमारे गठबंधन के साथी, तो साथियों ये आपके ऊपर अब निर्भर होगा कि आपने कैसे दूसरों को उतनी गर्मी में डाल देना है कि वो उस गर्मी में डर जाए। अब आप मेरे को कहते हो जी बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया काम तो देखो लोगों ने कर रखा है, ये लोगों का मन है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत करीब से 10 साल से देख लिया, और हर चीज की जो इंतहा हो जाती है ना, अब भारतीय जनता पार्टी की भी इंतहा हो गई, इनके नेताओं के जुमलेबाजी की भी इंतहा हो गई, और नेताओं के भी आप बयान देख लेते हो मीडिया में, सोशल मीडिया में, उनके बयान भी अब इस तरह के होते जा रहे हैं जो उनकी घबराहट दिखा रहे हैं। कभी बहनों के मंगलसूत्र पे आ जाएंगे, भाई चुनाव का बहनों के मंगलसूत्र से क्या लेना देना, पर दिख रहा है कि भाई घबरा गए। और एक एक फेज जैसे चुनाव का निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। पर आप ये मत समझ लेना कि वो कमजोर हो गए और हम मजबूत हो गए। हमारी मजबूती हमारे पसीने पे निर्भर होगी, हम कितना पसीना बहाएंगे अपना लोगों के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए। 20 दिन है ये, अब इन 20 दिनों में हमने पूरी मेहनत करनी है, गांव गांव में, घर घर में जाके। और मुझे खुशी है
आप लोगों पर कि आप अपनी जिम्मेवारी को समझ भी रहे और हर रोज किसी ना किसी को पार्टी में आप शामिल करवा रहे हैं। ये खुशी की बात है। देखो एक तो मन में लेके बैठ जाए कि हाँ इस बार ठीक नहीं, पर कोई पूछे तो सही, हम जाके अपने साथियों को पूछें। और कई बार हो जाता है कि गांव में भाई मेरे से नहीं बनती, तो थोड़ा बड़ा दिल दिखा के भाई ये बहुत बड़ा चुनाव है, ये गांव की सरपंची का नहीं है, सरपंची में तो हो जाते हैं धड़े, लेकिन बड़ा चुनाव है, बड़ी चुनौतियां हैं, देश की चुनौती है। आज देश में तख्ता पलटने की जरूरत है, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जब तक ऊपर व्यवस्था नहीं बदलेगी, हम लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। आज गरीब आदमी देख रहा है कांग्रेस की तरफ, किसान देख रहा है, मजदूर देख रहा है, हमारा युवा देख रहा है। हमने इन सब के लिए क्या क्या करना है? हमारा वक्त आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लोगों ने मन बनाया। अब मन बना है तो उसको पकड़ना हम सबका काम है कि हम अपने साथ भाईचारे में जोड़े। और मेरी ओर से जा जाके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगना, ये मैं हर सभा में कहती हूँ कि भाइयों कहीं अहंकार की जगह है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है कभी अहंकार की जगह। ना मैं अहंकारी हो सकती, ना कोई और किसी को होना चाहिए। नरम होके प्यार से लोगों का दिल जीतना है हमने। और मैं तो आप लोगों की आभारी हूँ, जब चुनाव लड़ने की बात आई तो साथियों आप सबकी आवाज पहुंची दिल्ली तक कि शैलजा को यहाँ भेजो, और शैलजा आई आपके बीच में और सेवा करने आए हैं भाई। अपनी तो जड़ें हैं पुरानी, 52 से लेके अब तक, 52 वाले कितने हैं यहाँ पे पता नहीं, लेकिन मेरे पिताजी पहली बार चुनाव लड़े थे 52 में, उसके बाद लगातार अपना मेल जोल रहा है और इसको हमने कायम रखना है। चुनाव की बात अलग है, चुनाव में हमको जीत हासिल करनी है और बढ़िया प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बोलो भाई करेंगे, करोगे, मेहनत करोगे, सिर्फ भाषण सुनने तो नहीं आए कहीं भाषण सुन के भाई ना हम तो सुन ली बात तो नहीं। मुझे विश्वास है आप पर, जैसे आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि चुनाव के बाद हम और ज्यादा समय लगाएंगे और लोगों के बीच में जाकर लोगों से पूछ के उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। आप सब यहाँ आए, एक एक अपने आप को शैलजा समझे और 25 मई को नहीं सुनो अभी सारे क्यों खड़े हो, 2-3 बात है जो लोगों को बतानी आगे प्रचार में। हम 5 न्याय दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपके पास पर्चे भी पहुंच गए हैं लोगों में बांटने, 5 न्याय और 25 गारंटी, ये कांग्रेस की गारंटी है, मोदी जी की जुमलेबाजी नहीं है, गारंटी है। हमने युवाओं को रोजगार देना है, हर युवा शिक्षित युवा के लिए हम 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप करवा के पहली नौकरी पक्की करेंगे। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं केंद्र में, उनको हम तुरंत भरेंगे। हमारा किसान आज के दिन क्या मांग रहा है, किसान का हम ऋण माफ करेंगे, किसान को हम MSP का कानूनी दर्जा देंगे। साथियों बहुत कुछ है करने को, हम करेंगे। और गरीब जो हमारा सबसे गरीब है, सबसे गरीब, क्योंकि किसान मजदूर एक साथ चलते हैं, किसान मरेगा मजदूर मरेगा, और मजदूर मरेगा तो किसान कहीं नहीं जा सकता, उस आगे नहीं पढ़ सकता। और भाई 36 बिरादरी का अपना काम है, भाईचारा अपना कायम रहना चाहिए, सबने मिलजुल कर रहना है ताकि आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और सबकी भलाई हो। इसी में देश की भी भलाई है, समाज की भी भलाई है। और 25 को आखिरी बात, कई बार कोई आके कह देते हैं कि जी वोट तो घने दे देंगे लेकिन मशीनों का ध्यान कर लियो, तो इसमें मैं बता दूं मशीनों की चिंता ना करो आप, आज के दिन आपसे ज्यादा दुखी कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी कोई भी मशीन में गड़बड़ नहीं होने देंगे, तो उससे निश्चिंत रहियो और खूब बढ़तियो हाथ के निशान वाला बटन दबा के कांग्रेस को जिताओ और आप उसके बाद एक नया अध्याय शुरू करते हुए यहाँ के विकास के लिए और आप लोगों के लिए
और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।